नमस्कार दोस्तों, अनोखा रॉक स्टार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दरभंगा रेलवे बाईपास का सीआरएस निरीक्षण पूरा हो चुका है। स्पीड ट्रायल के समय देखा गया कि इस ट्रैक पर 100 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से भी जो है स्पीड ट्रायल किया गया, तो पूरी तरह से यह ट्रैक फिट है। अब सवाल है कि आखिर इस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन कब से होता है और वह कौन सी ट्रेन है जो इस रेलखंड के माध्यम से जो है जाएंगी, तो सबसे बड़ा ये सवाल है। तो आज के वीडियो में हम एक ऐसी ट्रेन के बारे में बात करेंगे जिसको रेलवे बोर्ड से जो है अप्रूवल बहुत पहले मिल चुका है, लेकिन सूत्रों के माने तो दरभंगा रेलवे जंक्शन पर ट्रैफिक लोड होने की वजह से इस ट्रेन का परिचालन नहीं किया गया। तो अब सवाल ये बन रहा है कि क्या इस ट्रेन का परिचालन अब किया जाएगा, तो आज के वीडियो में हम इसी पर जो है विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले चंपारण को और बिहार को काफ़ी ट्रेनें मिली थी, जिसमें पहली ट्रेन थी नरकटियागंज से गौनाहा, नरकटियागंज से रक्सौल, रक्सौल से जोगबनी और दानापुर से जोगबनी, सहरसा से जोगबनी, जोगबनी से सिलीगुड़ी, इस तरह के तमाम ट्रेनों का जो है सौगात दिया गया था। इसी क्रम में एक और ट्रेन का सौगात दिया गया था रक्सौल से जयनगर। आप सभी को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रक्सौल जयनगर ट्रेन को छोड़ दे तो बाकी जितने ट्रेन का जो है घोषणा किया गया था सबका उद्घाटन हुआ और सब ट्रेनें इस समय भी चल रही हैं, लेकिन जो जयनगर से रक्सौल के बीच में चलने वाली ट्रेन थी उसका उद्घाटन नहीं किया गया। तो अब सवाल बन रहा है कि क्या है दरभंगा बाईपास बन जाने के बाद इस ट्रेन का परिचालन हो सकता है। तो ऐसे खबरें आ रही हैं कि आने वाले कुछ दिनों में जो है इस ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। तो सबसे जो बड़ा सवाल है कि अगर ये ट्रेन का परिचालन अगर जयनगर से नहीं होता है और इस ट्रेन का परिचालन लौकहा बाजार से किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। इस ट्रेन का टाइम टेबल की बात करें तो यह शाम को रक्सौल से 6:40 पर खुलती और यह ट्रेन पहुंच जाती लगभग 12 बजे करीब में दरभंगा, और ये रात को 2:30 पर जयनगर जाती और फिर 3:45 में वहाँ से खुलने के बाद सुबह 5:15 पर दरभंगा आती और 9:30 पर ट्रेन रक्सौल फिर वापस आ जाती। यह डेली ट्रेन चलाने का घोषणा किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि इस ट्रेन का उद्घाटन तक भी नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह जो ट्रेन है काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रेन है, जयनगर को सीधे रक्सौल से जोड़ेगी और इस ट्रेन का उद्घाटन नहीं हो पाया। तो अब लग रहा है कि इस ट्रेन का उद्घाटन होगा और पहली जो ट्रेन होगी दरभंगा बाईपास के रास्ते गुजरने वाली हमको लगता है कि रक्सौल जयनगर एक्सप्रेस हो सकती है। हालांकि मेरा मानना है कि इस ट्रेन को अगर जयनगर से ना चलाकर इस ट्रेन को झंझारपुर के रास्ते लौकहा बाजार तक अगर चलाया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। इस ट्रेन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।